डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा आगे टॉपिक आता है लॉज ऑफ रेशनल एक्सपोनेंट्स। तो लॉज वही हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ए टू द पावर एम इनटू ए टू द पावर एन किसके इक्वल होता है? जब अभी बताया था मैंने पहले भी, जब बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई के केस में पावर ऐड हो जाती है, बेस वही रहेगा ए, पावर एम प्लस एन हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड लॉ, डिवाइड के केस में ए टू द पावर एम डिवाइड बाय ए टू द पावर एन, तो डिवाइड के केस में बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एम माइनस एन हो जाएगी। थर्ड लॉ क्या था, ए टू द पावर एम टू द होल पावर एन किसके इक्वल था, ए टू द पावर एम इंटू एन, एम एन यानी बेस यानी पावर की पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, या इसको हम ए टू द पावर एन टू द होल पावर एम भी लिख सकते हैं। तीनों का मीनिंग सेम है, यानी एम इंटू एन एम एन हो गया या एन इंटू एम हो गया, एन एम या एम एन एक ही बात है। इसके बाद फोर्थ लॉ क्या कहता है, देखिए ए टू द पावर एम इन टू ए बी टू द पावर एम, ये है मान लो, तो यहाँ पे बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, मल्टीप्लाई के केस में बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी ए इंटू बी और पावर सेम रहेगी एम, यानी भाई ए की भी पावर एम है इसका मतलब, और बी की भी पावर क्या है, एम, तो दोनों को इकट्ठा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी, भाई ए की भी पावर एम है इसका मीनिंग यही है, और बी की भी पावर क्या है, एम। ऐसे ही फिफ्थ लॉ में डिवाइड के केस में होता है, अब ए टू द पावर एम डिवाइड बाय बी टू द पावर एम है, तो अब उसी तरह से बेस को डिवाइड कर दो ए बाय बी और होल पावर क्या हो जाएगी, एम, यानी यहाँ पे इसका मतलब ए की भी पावर एम है अपॉन बी की भी पावर क्या है, एम है। और एक इसके अंदर ये जो हमें याद रखना है जो लॉ है इसका, भाई एक्स टू द पावर जीरो वन के इक्वल होता है, ए टू द पावर जीरो वन के इक्वल होता है, या फोर टू द पावर जीरो वन के इक्वल होता है, ठीक है, तो हंड्रेड टू द पावर जीरो लेंगे वो भी किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा, तो यानी किसी भी लेटर की पावर जीरो या किसी भी नंबर की पावर जीरो होता है वो वन के इक्वल होता है। ये कैसे होता है ये मैंने पहले भी बताया, चलो एक बार फिर मैं बता देता हूँ। जैसे एक्स टू द पावर जीरो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस वन लिख सकते हैं जीरो को, टू माइनस टू भी लिख सकते हैं, थ्री माइनस थ्री भी लिख सकते हैं। अब देखो बेस इक्वल, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्स पावर वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, अब इस माइनस वन को प्लस में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये वन बाई एक्स हो जाएगा। अब देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, वन आ गया, तो एक्स टू द पावर जीरो वन, या ए टू द पावर जीरो भी वन, बी टू द पावर जीरो भी वन, ठीक है, या वन टू द पावर जीरो भी वन, टू टू द पावर जीरो भी वन, थ्री टू द पावर जीरो भी वन, कोई भी आप लेटर ले लीजिए, अल्फ़ाबेट का कोई भी नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, सब की पावर जीरो, जिसकी भी पावर जीरो हो तो वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट रेशनल एक्सपोनेंट्स में भी यही यूज होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम इसकी वर्कशीट टू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई, फर्स्ट पार्ट है, हमने सिंप्लीफाई करना है, एक्स टू द पावर वन बाई टू इंटू एक्स टू द पावर फाइव बाई टू दिया है। अब यहाँ पे देखो बेस दोनों सेम है, एक्स है और पावर डिफरेंट है, ये वन बाई टू है, ये फाइव बाई टू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट लॉ यूज होगा इसमें, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो एक्स टू द पावर वन बाई टू प्लस क्या हो जाएगा, फाइव बाई टू, तो एक्स तो ऐसे का ऐसे है पावर, हम क्या करेंगे इसको, इसको सॉल्व करेंगे, अब पावर में कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों रेशनल नंबर हैं,
हम इनके डिनोमिनेटर का कैसे आइडिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, टू आ गया, टू और टू का एलसीएम टू आ गया, टू से डिवाइड करो वन पे गया, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन, फिर प्लस टू से डिवाइड करेंगे टू को वन पे गया, वन की मल्टीप्लाई फाइव से तो फाइव। अब इनको ऐड कर लो, फाइव प्लस वन क्या हो गया सिक्स, सिक्स अपॉन टू, तो टू से कैंसिल कर दो, टू वन द टू, टू थ्री द सिक्स, तो हमारे पास एक्स की पावर क्या बच गई, थ्री बच गई, तो एक्स टू द पावर थ्री हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, एक्स टू द पावर सिक्स बाई फाइव अपॉन एक्स टू द पावर वन बाई फाइव। अब इसमें सेकेंड लॉ यूज होता है, देखो डिवाइड डिवाइड है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा सिक्स बाई फाइव माइनस वन बाई फाइव। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे दोनों का, दोनों डिनोमिनेटर का ऊपर ही लेना है ब्रैकेट पावर में ही एक्स, और पावर में एलसीएम ले लिया हमने, फाइव आ गया एलसीएम, फाइव और फाइव का, तो फाइव से डिवाइड किया वन पे गया, वन की मल्टीप्लाई सिक्स से, वन सिक्स द सिक्स माइनस, फिर फाइव से डिवाइड करेंगे इसको वन पे गया, वन की मल्टीप्लाई वन से। अब सिक्स माइनस वन क्या होता है, फाइव अपॉन में क्या है फाइव, तो फाइव वन द फाइव, फाइव वन द फाइव, वन आ गया, तो एक्स की पावर वन आ गया, तो एक्स आ गया हमारे पास, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है, एक्स टू द पावर सेवन और सारे की होल पावर क्या है जीरो, एक्स टू द पावर सेवन टू द होल पावर क्या है जीरो। अब हम पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेवन इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है, अभी बताया था मैंने, वन के इक्वल होता है, तो ये वन आ जाएगा। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है इसका, देखिए फोर्थ पार्ट में फाइव इंटू एक्स टू द पावर फाइव बाई सिक्स इंटू सिक्स एक्स टू द पावर वन बाई सिक्स। अब यहाँ पे ये जो पावर दी हुई है सिर्फ वेरिएबल की पावर है, होल पावर ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है, ये भी कॉन्स्टेंट है, इसका कोफिशेंट है, ये इसका है कोफिशेंट, ठीक है सिक्स, तो हम कोफिशेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्स्टेंट है ये, इनको कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, फाइव सिक्स का क्या होते हैं थर्टी, और यहाँ पे ये बेस है, ये बेस सेम है, और इनकी पावर क्या है अलग अलग है, तो जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा ये एक्स टू द पावर फाइव बाई सिक्स प्लस वन बाई सिक्स। एलसीएम ले लो इसका, ये सिक्स आ गया, तो फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा सिक्स, सिक्स अपॉन सिक्स, यानी थर्टी एक्स टू द पावर सिक्स अपॉन सिक्स, सिक्स से सिक्स कैंसिल कर दो, तो थर्टी एक्स हमारे पास आ जाएगा सॉल्व करके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अब देखो इसमें, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो फाइव एक्स टू द पावर वन बाई सिक्स इंटू फाइव बाई सिक्स और सिक्स एक्स टू द पावर वन बाई सिक्स, दोनों में डिफरेंस है। ये जो पावर है ये यहाँ पे फाइव की भी पावर है, एक्स की भी पावर है, ये वन बाई सिक्स जो है सिक्स की भी पावर है, एक्स की भी पावर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ये बाहर है इससे पावर से, इस ब्रैकेट से बाहर है ना ये, तो दोनों का मीनिंग चेंज हो जाता है, ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ फाइव अलग है और एक्स टू द पावर फाइव बाई सिक्स अलग है। अब यहाँ पे सिक्स अलग अलग लिखते हैं हम, और वन बाई सिक्स ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे फाइव अलग है एक्स टू द पावर फाइव बाई सिक्स, सिक्स अलग है एक्स टू द पावर वन बाई सिक्स अलग है, लेकिन यहाँ पे फाइव की भी पावर वन बाई सिक्स है, एक्स की भी पावर वन बाई सिक्स है, सिक्स की भी पावर वन सॉरी फाइव बाई सिक्स और सिक्स की पावर वन बाई सिक्स है, एक्स की पावर वन बाई सिक्स, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस केस में फाइव इंटू सिक्स नहीं होगा, फाइव सिक्स द थर्टी नहीं होगा, फाइव फाइव ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, तो इनको तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पावर सेम हो, ठीक है, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसका मीनिंग अलग अलग रहेगा। इनको हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइव अलग से है, सिक्स अलग से है, तो कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया थर्टी, और यहाँ पे एक्स की पावर फाइव बाई सिक्स इंटू एक्स की पावर वन बाई सिक्स, ये बेस सेम हो गई एक्स और एक्स, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड कर देंगे, ये ऐड करके हमारे पास ये आ गया, तो ये डिफरेंस हमें ध्यान रखना है इसका। इसके बाद एक्स टू द पावर माइनस सेवन बाई टू इंटू टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, तो ये वन है तो वन इंटू टू टू हो जाएगा, ये भी बाहर है देखो पावर से,
और ये भी बाहर है, तो 1 to the 2 हो जाएगा। अब ये बेस इक्वल हो गए, पावर ऐड कर दो तो एक्स टू द पावर -7/2 -1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लेकर के और -8/2 आता है, 2 से काट दो, 2 4 8, तो 2x^-4 आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है 512 to the power -2/9। तो हम क्या करेंगे, ये वन, ये जो अपॉन में 9 है ये ख़त्म करना है यहाँ से। वो कैसे ख़त्म होगा, हम इसको प्राइम फैक्टर्स करेंगे। इसके जब प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 to the power 9 आते हैं। क्या आता है, 2 9 टाइम मल्टीप्लाई करके देखो तो 512 आएगा। इसके जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे ना तो 2 पे ही जाता रहेगा ये, तो 9 टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 2 to the power 9, और उससे अरे की पावर क्या है, -2/9। अब पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दी, 9 से 9 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, 2 to the power -2। क्या बच गया, 2 to the power -2। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे इसको, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो हमारे पास नेगेटिव साइन है इसको प्लस में चेंज करेंगे, तो बेस का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 1/2 to the power क्या हो जाएगा, 2। तो 1/2 की पावर 2 का मतलब है 1/2 × 1/2, यानी 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसके बाद 216 की पावर 2/3 × 1/2 है। पहले इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 216 की पावर 2/3 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, 216 की पावर 1/3 बच गया। अब ये पावर किसका होता है, ये क्यूब होता है किसी का, किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है 216। तो इसको क्यूब में चेंज कर लिया क्योंकि 1/3 है, ये 3 का कैंसिल करना है यहाँ से, तो 6³ × 1/3 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिया पावर को पावर से, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो इस तरह से सॉल्व कर देंगे। फिर थर्ड पार्ट आता है, 10 ÷ 8^-1/3। तो 10 ÷ इस 8 को क्या लिखेंगे हम, 2 to the power 3, और सारे की पावर क्या है, -1/3, 3 से 3 कैंसिल कर दो, क्योंकि ये 3 कैंसिल करना था तो इसको हमने क्यूब में चेंज कर लिया, 8 को, 2 का क्यूब होता है। अब 10 ÷ 2^3 क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया। अब इसको हम पहले प्लस में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो 10 ÷ 1/2 हो गया। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 10 × 2/1, यानी 10 2 क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया, 2/1, 1 तो लिखते नहीं है अपन में, तो ये हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, 16 to the power 3/4, क्या है ये, 16 to the power 3/4 इज इक्वल टू, देखिए 16 किसकी पावर 4 है, ये अपॉन में 4 जो है ये ख़त्म करना है, एवेल्यूएट करने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये 2 की पावर 4 होता है 16, 16 के प्राइम फैक्टर्स करो, 2 8 the 16, फिर 2 4 the 8, फिर 2 2 the 4, फिर 2 1 the 2, 4 × 2 आ गया। तो इसका मतलब है 2 to the power 4 × 3/4, पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 कैंसिल, 2 to the power 3 बच गया, 2 to the power 3 क्या होता है, 8, 2 × 2 × 2, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4, 4 to the 8। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है, 27 to the power 1/3 × 16 to the power -1/4 है। अब 27 किसका क्यूब है, इसको क्यूब में चेंज करेंगे क्योंकि 1/3 है, ये 3 का ख़त्म करना है, तो ये क्यूब से ख़त्म होगा, तो ये 3 का क्यूब होता है 27, और उसकी पावर 1/3 इंटू, ये 2 to the power 4 होता है, अभी किया हमने यहाँ पे 2 to the power 4, और उसकी पावर -1/4। अब 3 से ये 3 पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे, 3 × 2 to the power -1 बच गया। अब इस -1 को प्लस में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 3 × 1/2 हो गया, तो 3 × 1 = 3/2, तो 3/2 आ गया हमारे पास। इसके बाद सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट में 1/3 to the power 4 to the power 1/2 to the whole power -2, हम सभी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 × 1/2 × -2। अब यहाँ पे देखो ये कटता है,
टू से टू कैंसिल हो गया, टू वन द टू, टू वन द टू कट गया, तो हमारे पास वन अपॉन क्या बच गया, थ्री टू द पावर माइनस फोर बच गया, फोर वन द माइनस फोर क्योंकि माइनस साइन है तो थ्री टू द पावर माइनस फोर है, ये डिनोमिनेटर में है तो वन अपॉन थ्री टू द पावर माइनस फोर है, इसको प्लस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इस थ्री का रेसिप्रोकल कर देंगे वन बाई थ्री का, तो ऊपर चला जाएगा तो थ्री थ्री टू द पावर क्या हो जाएगा, फोर आ जाएगा। इसके बाद आता है सेवन्थ पार्ट, तो सेवन्थ पार्ट देखिए 27 टू द पावर कैसे हम फाइंड करेंगे वैल्यू, 27 टू द पावर माइनस टू बाई थ्री इंटू 81 टू द पावर फाइव बाई फोर अपॉन वन बाई थ्री टू द पावर माइनस थ्री, ऐसे है। हम 27 को क्यूब में चेंज करेंगे, 81 को पावर फोर में चेंज करेंगे क्योंकि फाइव बाई फोर है ना, अपॉन में फोर है, ये ख़त्म करना है, और ये तो क्यूब है ही है। चलो देखिए, तो ये तो अपॉन में थ्री नहीं है, वन बाई थ्री नहीं है, ये थ्री है पावर, माइनस थ्री है, वन बाई थ्री की पावर माइनस थ्री, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 27 को क्यूब में चेंज करो, ये थ्री का क्यूब होता है और उसकी पावर क्या है, माइनस टू बाई थ्री इंटू ये थ्री की पावर फोर होता है 81, थ्री 81 के जब आप प्राइम फैक्टर करोगे थ्री पे डिवाइड होता है, थ्री टू द सिक्स, थ्री सेवन द 27, फिर थ्री नाइन द, फिर थ्री थ्री द, फिर थ्री वन द, यानी फोर टाइम थ्री आ गया ना, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री का मतलब है थ्री टू द पावर फोर, तो 81 को हम थ्री टू द पावर फोर लिख सकते हैं, लिख दिया, और सारे की पावर क्या है फाइव बाई फोर। अब देखो क्यूब से ये क्यूब कैंसिल, पावर फोर से पावर फोर कैंसिल, क्या बच गया, अब यहाँ पे वन बाई थ्री की पावर माइनस थ्री था, बेस का रेसिप्रोकल कर दो नीचे ही क्योंकि वन बाई थ्री नीचे ही है ये, तो ये थ्री की पावर थ्री हो जाएगा, थ्री टू द पावर थ्री हो जाएगा। अब ये हमारे पास ऊपर थ्री टू द पावर माइनस टू आया इंटू थ्री टू द पावर फाइव आया अपॉन में थ्री टू द पावर थ्री है, हम इस पावर को भी नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे बेस का, ये नीचे आ जाएगा, तो थ्री टू द पावर फाइव ऊपर है, ये नीचे आगे प्लस हो गया, पावर थ्री टू द पावर टू इंटू थ्री टू द पावर थ्री, अब नीचे बेस सेम है, पावर की को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई में ऐड कर देंगे, तो थ्री टू द पावर फाइव ऊपर ऐसे कैसे, नीचे पावर ऐड कर दिया मैं, थ्री टू द पावर टू प्लस थ्री क्या हो गया फाइव, तो थ्री टू द पावर फाइव अपॉन थ्री टू द पावर फाइव आ गया। अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम है, डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट कर दी फाइव माइनस फाइव, तो फाइव माइनस फाइव क्या होता है जीरो, तो थ्री टू द पावर जीरो किसके इक्वल है, वन के इक्वल, तो इसको हम यहाँ भी डायरेक्ट भी काट सकते हैं, थ्री टू द पावर फाइव से थ्री टू द पावर फाइव वन पे कट जाएगा, तो ये वन आंसर आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यदि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करने हैं तो फिर ये ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज सीधा भी हम कट कर सकते हैं इसको ऐसे यहाँ पे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। इसके बाद सेवन्थ पार्ट आता है इसका, एट्थ पार्ट, सेवन्थ नहीं एट्थ पार्ट, 64 टू द पावर 1 बाई टू इंटू 64 टू द पावर 1 बाई टू प्लस 1 है ब्रैकेट में। अब 64 इसको स्क्वायर में चेंज करो क्योंकि 1 बाई टू है, तो ये स्क्वायर से कैंसिल होगा, ये 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 1 बाई टू, ऐसे ही अंदर ये भी स्क्वायर में चेंज करो, 8 स्क्वायर लिख दिया कि पावर 1 बाई टू प्लस 1, अब 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 8 इंटू, यहाँ पे क्या बच गया 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 क्या होता है 9, तो 8 इंटू 9 क्या होता है 72, तो 8 9 दा 72, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके आ जाएगा आंसर। फिर नाइन्थ पार्ट है इसका, देखिए क्या है, 36 टू द पावर 7 बाई टू माइनस 36 टू द पावर 9 बाई टू अपॉन 36 टू द पावर 5 बाई टू है, पहले इसको उसकी ये 1 बाई टू 1 बाई टू 1 बाई टू ये जो डिवाइड में 2 है ये ख़त्म करना है, ये 6 का स्क्वायर होता है, ये भी 6 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर लिख लिया, 6 स्क्वायर की पावर 7 बाई टू माइनस 6 स्क्वायर की पावर 9 बाई टू अपॉन 6 स्क्वायर की पावर 9 5 बाई टू, अब 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 6 टू द पावर 7 बच गया माइनस 6 टू द पावर 9 बच गया अपॉन 6 टू द पावर 5। अब ये कॉमन डिनोमिनेटर है इसका भी और इसका भी, अलग अलग कर सकते हैं इसको, ये कॉमन डिनोमिनेटर है इन दोनों का, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 7 अपॉन 6 टू द पावर 5 माइनस 6 टू द पावर 9 अपॉन 6 टू द पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन है तो अलग अलग कर लिया हमने। अब यहाँ पे बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी,
तो 6 to the power 7 माइनस 2 आ गया। यहाँ भी बेस इक्वल है, डिवाइड के केस में पावर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, 9 माइनस 5 हो जाएगी। तो 6 to the power 7 माइनस 2 माइनस 6 to the power 9 माइनस 5, तो 6 to the power 7 माइनस 2 क्या होता है, 2, माइनस 6 to the power 9 माइनस 5 क्या होता है, 4, तो 6 to the power 2 माइनस 6 to the power 4, 6 का पावर 2 क्या होता है, 36, माइनस 6 to the power 4 क्या होता है, 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1296 आ जाएगा। तो अब 36 में से इसको माइनस करेंगे, बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन, छोटे के आगे प्लस का साइन, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दिया, साइन माइनस का आ गया, तो माइनस 1260 हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है टेंथ, टेंथ पार्ट आता है इसका। तो 4 into 81 to the power -1/2 into 81 to the power 1/2 +81 to the power 3/2, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, ये ख़त्म करना है। तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, यहाँ भी 9 का स्क्वायर है, ये भी 9 का स्क्वायर है, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, तो 4 into 9 की पावर -1, यहाँ पे क्या बचेगा, into 9 plus 9 की पावर 3। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, नेगेटिव में है ये पावर, तो 4 into 1/9 हो गया, 9 plus 9 का क्यूब होता है 729, दोनों को ऐड कर लो, तो 4/9 into इनको ऐड करके 738 आ गया, इसको काट दिया 7 से 9 से 9 8 द 72, 1 बच गया, 9 2 द 18, तो 4 को 82 से मल्टीप्लाई करके 328, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे।